जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपको बता दें, अध्यक्ष नगर समिति देवसर मुश्ताक अहमद भट्ट ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर में पहली बार कारगिल तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 बाइकर्स ने भाग लिया था। प्रतिभागी भाजपा के युवा मोर्चा थे, जो देश की अलग अलग जगहों से आए थे। अब्दुल्ला और मुफ्ती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जुड़वा परिवार पिछले 70 वर्षों में लोगों की सेवा करने में विफल रहे हैं और दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर आतंकवाद को राजधानी बना दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पर्यटन और प्रगति की राजधानी बनाया है। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं उठाएगा। उन्हें लाल चौक जाने दें और देखें कि कैसे हर कोई अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए है। जनाब, उन्होंने कहा कि जुड़वा परिवार उच्च दावा कर रहे थे और लंबा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पीएम मोदी ने इसे संभव बना दिया। जुड़वा परिवारों ने हाथ मिलाया है और एक गुफकर गिरोह के साथ आए हैं। अब्दुल्ला और बेटे और मुफ्ती और बेटे केवल जहरीले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला और बेटे, मुफ्ती और बेटों को अब लोगों ने खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए युवा आगे आए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के युवाओं ने बाइक रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है वे यहाँ प्रगति सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा, तिरंगा हर कश्मीरी के दिल और दिमाग में है, लेकिन ये राजनेता इस तथ्य को स्वीकार करने से हिचक रहे हैं। रैली के बारे में उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के बलिदानों को याद करने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ गया है और राजवंशों की आकांक्षाओं के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकता। जम्मू कश्मीर से राजा सफी की खास रिपोर्ट, जगत न्यूज 24। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल को तोड़ा गया तो यहाँ की रीजनल पार्टियों ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा था कि यहाँ पे कश्मीर में तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, आज उन रीजनल पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जब लाल चौक से एक तिरंगा यात्रा निकली है कारगिल के लिए, कारगिल दिवस था उस टाइम जब कारगिल की लड़ाई थी, जो वहाँ पे शहीद हुए थे हमारे फौजी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से एक बाइक रैली निकाली गई थी लाल चौक से। तो आज उन रीजनल पार्टियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से ये आर्टिकल को तोड़ा गया तब से यहाँ पे कहीं पे स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, कहीं पे पत्थरबाजी नहीं हुई, कहीं पे कोई सिविलियन किलिंग नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई। आज यहाँ के गरीब, यहाँ का मजदूर खुश है, आज वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उनके टाइम में सिर्फ 15 दिन महीने में खुला रहता था और 15 दिन हड़ताल रहता था। उनकी दोहरी पॉलिसी है, वो यहाँ से जब कुर्सी पे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, उस टाइम पे वो तिरंगा खुद लहराते थे, लेकिन जब उनसे कुर्सी छिन जाती है वो चाइना की बोली बोलते हैं, वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वर्कर है कश्मीर का, आज खड़ा है इस तिरंगे को लहराने के लिए, इस तिरंगे को अपने दिल में गाड़ने के लिए। तो आज उन जो रीजनल पार्टियां हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, इन्होंने जवाब दे दिया, आपकी छुट्टी हो गई, आप अब अपनी जो आपने प्रॉपर्टी इलीगल तौर से बनाई है उसको बचाने के लिए आप, ये दोहरी पॉलिसी है आपकी, आपको इंशाल्लाह हम गुप्कार से भी निकालेंगे, आपसे हिसाब लेंगे,